में बैठे हुए थे। बचपन में हम जिन विप्र बालकों के साथ में अध्ययन करते थे, तो जब छुट्टी का टाइम आए तो वो विप्र बालक जो हमारे मित्र थे वो पकड़ लेते थे, कमल दादी इस बार आपको हमारे गांव चलना है। तो किसी के घर गए, अब वहां जाकर के गांव में कथा होती थी। तो गांव में कैसे कथा होती थी, एक पेड़ के नीचे चबूतरा और उसी पर एक कंबल बिछा दिया। माई का एक तो होता नहीं था, एक लैंटर्न जला करके रख दी, कथा शुरू हो गई। गांव के 250 लोग अपने बैठ गए, कथा खूब किया। उस कथा से बड़ा ज्ञान हुआ, क्योंकि कथा को आप श्रद्धा से करो तो कथा खुद आपके अंतःकरण में आके बैठती है। सुई जाने जिह देह हो जनाई, जब गोविंद कृपा करते हैं तो कथा खुद अवतरित होती है। नहीं तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक हमारे शिष्य थे, श्रीमद भागवत कथा पढ़ने के लिए श्रीमद वृंदावन धाम गए, और वृंदावन धाम हम वाराणसी में थे, लौट करके आए तो हमने कहा क्या हुआ, कहाँ चले गए? बोले महाराज जी हम तो भागवत कथा सीखने के लिए चले गए थे। हमने कहा बड़ा अच्छा हुआ सीखा है। बोले हाँ महाराज जी सीख लिए, अब तक लगभग जो है 70-80 कथाएं हो चुकी हैं। तो वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, तो हमने एक प्रश्न पूछ दिया। हमने कहा कि आप 70-80 कथाएं कर चुके? बोले हाँ हाँ महाराज जी आराम से हुए। हमने कहा आप तो अच्छा अभ्यास हो गया होगा। बोले अब तो महाराज जी बिल्कुल दिक्कत नहीं, अब तो हम पुस्तक भी नहीं देखते। उनका बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा एक जिज्ञासा एक प्रश्न करूं, अब विद्यार्थी थे तो मैंने कर लिया। कहा जी जी महाराज जी बोलिए। तो मैंने कहा ये बताइए, कोवलया पीड़ा हाथी पहले मारा गया कि पहले धनुष टूटा? कोवलया पीड़ा हाथी पहले मारा गया कि धनुष टूटा? तो उनके साथ में एक और खड़े हुए थे, वो भी हमारे आश्रम में ही पड़े हुए थे। बोले महाराज जी धनुष तो राम जी ने तोड़ा था ना, कृष्ण जी ने भी धनुष तोड़ा क्या? उनका ये भी समस्या है। करेण वामेन श्रील मुद्रतम सज्जम चक्रता निमशेण पशिताम। तो वो तो बड़े गजब की बात थी। फिर मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जी पहले कोवलया पीड़ा हाथी मारा गया, उसके बाद में फिर धनुष टूटा। हमने कहा ये तुम पढ़ के बोल रहे हो या अंदाज से? बोले नहीं नहीं महाराज जी, कोवलया पीड़ा हाथी तो दरवाजे पर ही खड़ा था, उसे दरवाजे पर मिला तो पहले कोवलया पीड़ा हाथी को मारा गया होगा, उसके बाद तो अंदर घुस करके धनुष को तोड़े होंगे। हमने कहा देखो इसलिए यह गुण साधन ते नहीं हुई। ये ग्रंथों को आप साधना से वश श्रद्धा से इनको प्रणाम करो। और एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, हिंदू धर्म में थोड़ी सी ये जो चीजें हैं अपने को ध्यान रखना चाहिए, अपन ग्रंथ का सम्मान करना नहीं जानते। ग्रंथ का सम्मान करना सीखना है तो सिखों से सीखो, मुस्लिम धर्म बंधुओं से सीखो। कभी भी वो अपने ग्रंथ को रामायण को भागवत को वेद को चालीसा को ऐसे नहीं रखेंगे, हम लोग अपने पांव के पास में रख लेते हैं जमीन। इसलिए क्योंकि इनसे बढ़कर के कोई दूसरा ग्रंथ है ही नहीं। ये हमारे साथ तेनेयम वांग्मयम मूर्तिम प्रत्यक्ष वर्तते हरे। एक गांव में गए, रामायण जी का पाठ चल रहा था, सब रामायण नीचे रखे, लोग खिसक रहे हैं निकल रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम इन ग्रंथों का आदर करना सीखें। कभी भी हनुमान चालीसा रामचरितमानस श्रीमद् भागवत माँ कोई भी ग्रंथ हो उसको जमीन पर ना रखें, सम्मान करें। कुछ ना कुछ वस्त्र हो, अंग वस्त्र हो, कुछ ना कुछ रखा हो उसके ऊपर में स्थापित करें श्रद्धापूर्वक, क्योंकि ये साक्षात भगवान के स्वरूप है। तो दूसरे लोगों के पास में एक ग्रंथ एक कंठ पंथ और संत, लेकिन हमारे पास में चार वेद चार उपवेद 6-7-18 पुराण 18 उपुराण ब्राह्मण शतपथ ग्रंथ न जाने कितनी रामायण है, रामायण शतकोटि अपारा। हमारे जीवन की आयु के दिन कम पड़ सकते हैं, सांसें कम पड़ सकती हैं, अगर हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर प्रत्येक सांस पर एक देवता बदलना चाहे तो हमारे यहाँ इतने देवता हैं कि हर एक सांस पर हर एक घड़ी पर आप देवता को बदल सकते हो, हर मंत्र बदल सकते हो, उपासना कर सकते हो। आपकी सांसें कम पड़ जाएंगी, पर हमारे यहाँ सदग्रंथ इतने हैं कि सदग्रंथ आपके लिए कम नहीं पड़ेंगे, देवता आपके लिए कम नहीं पड़ेंगे, उपासना पद्धतियां हमारे यहाँ इतनी विस्तृत हैं कम नहीं पड़ेंगे। सबका बस का काम नहीं है इतने ग्रंथों को पढ़ पाना।